हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हमें बैंक निफ्टी में प्राइज एक्शन प्लस ईएमए का एक इतना गजब का कॉम्बिनेशन दिखा, जिसके कारण से मैं चलते हुए मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए कॉम्बिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं डेवर टाइम फ्रेम में, और डेवर टाइम फ्रेम में कॉम्बिनेशन देखते हैं। देखो, जब भी आप किसी भी चीज़ का एनालाइज करिए तो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आइए। तो हम ईएमए 50 डे ईएमए और 200 डे ईएमए का यूज कर रहे हैं। तो ये जो रेड वाली लाइन है ना, ये जो रेड वाली लाइन है, तो ये 50 डे ईएमए है, और ये जो ये वाली लाइन है तो 200 डे ईएमए है। तो आप ये देखो, मार्केट अभी लाइव चल रहा है। अब आप ये देखिए, प्राइस आज जिसका हाई बनाया, तो 50 डे ईएमए का रेजिस्टेंस लेके प्राइस गिरा यहाँ से। क्लियर हुआ? आप देख सकते हैं 50 डे ईएमए का, ये 50 डे ईएमए का रेजिस्टेंस लेके प्राइस गिरा। अब हम यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। क्या हम यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देते हैं? ये अपना लेवल ड्रा हो गया। अब आप ये देखो, प्रीवियस में इसके पहले भी यहाँ से प्राइस गिरा था, इसके पहले भी यहीं से प्राइस गिरा था इसी प्राइस एक्शन से, और आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ से भी गिरा था, और यहाँ अच्छा खासा प्राइस रेजिस्टेंस लिया जब प्राइस यहाँ से अब जा रहा था। क्लियर हो इतना? अब देखो, जब 50 डे डेवर लाइन फ्रेम में 50 डे ईएमए का रेजिस्टेंस प्लस हॉरिजॉन्टल लाइन अच्छा खासा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा, तो तेजी से मार्केट अपसाइड जाएगा। दो दो चीज़ें एक साथ ब्रेकआउट हो रहा है डेवर टाइम फ्रेम में। अब देखो खूबसूरती, देखो प्राइस एक्शन प्लस 50 डे ईएमए और 200 डे ईएमए को। अब हम चलते हैं H1 टाइम फ्रेम, और H1 टाइम फ्रेम में इसका और अच्छे से एग्जांपल दिखाते हैं। अब ये है अपना H1 टाइम फ्रेम। अब आप ये देखो, ये H1 टाइम फ्रेम अभी बजना है 10:39, मतलब 10:40 है। ये सेकंड कैंडल, फर्स्ट कैंडल ये है, जो फर्स्ट कैंडल इस लेवल का हाई बनाया था आप देख सकते हैं, और डाउन साइड इस लेवल का लो बनाया था आप देख सकते हैं, ये अपना लो बना था ये। अब आप ये देखो, डाउन साइड 50 डे ईएमए का सपोर्ट है, आप देख सकते हैं डाउन साइड 50 डे ईएमए का सपोर्ट है, लेकिन H1 टाइम फ्रेम में अप साइड 200 ईएमए का रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं। अब देखो, डे वन टाइम फ्रेम में 50 ईएमए का रेजिस्टेंस था, लेकिन H1 टाइम फ्रेम में 200 डे का ईएमए का रेजिस्टेंस है, प्लस ये रेजिस्टेंस लेवल है ही अपना। अब ये बताओ, अगर डे वन टाइम फ्रेम में 50 ईएमए ब्रेकआउट होगा और H1 टाइम फ्रेम में 200 ईएमए ब्रेकआउट होगा, तो मार्केट तेजी से ऊपर सट जाएगा। सोचो, मार्केट तेजी से ऊपर सट जाएगा, लेकिन अगर मार्केट इन केस यहां से रेजिस्टेंस लेके प्राइस गिरता है, तो डाउन साइड देखो 50 डे ईएमए का सपोर्ट है, और अपना ये सपोर्ट लेवल, क्योंकि आप देख सकते हैं प्राइस यहां भी इस लेवल पे घूमा था और यहां अच्छा खासा सपोर्ट लिया था। क्लियर हुआ? ठीक है ना? तो ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो प्राइस तेजी से नीचे गिरेगा, आप देख सकते हैं। तो डाउन साइड के लिए अपना टारगेट क्या हो सकता है? डाउन साइड के लिए अपना नेक्स्ट टारगेट लेवल ये हो सकता है बैंक निफ्टी में 36200 का लेवल, आप देख सकते हैं ये 36200 का लेवल डाउन साइड के लिए हो सकता है। अगर अप साइड ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो एक अपने को ये लेवल देखने को मिल सकता है, ये लेवल 36900 का लेवल। क्लियर हुआ? अब हम आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाते हैं। खूबसूरती आपको दिख रही है ईएमए प्लस ए प्राइस एक्शन लेवल का? अब देखो, हम थोड़ा सा यहाँ से एक बार फिर लेवल ड्रा कर लेते हैं, सॉरी, और मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, और वहाँ भी और गजब की चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको। ये था अब अपना 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन हो गया। अब आप ये देखो, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखेंगे डाउन साइड 200 ईएमए का सपोर्ट ले रहा है, यही सपोर्ट लेके प्राइस घूमा अप साइड, आप देख सकते हैं 200 ईएमए का सपोर्ट लेके प्राइस अप साइड जाना स्टार्ट हुआ। लेकिन अब देखो, अब हम ये अप साइड अपना अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो तेजी से मार्केट ऊपर जाएगा। क्लियर हुआ? अब हम आपको दिखाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, और 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए कि कितना गजब का। अब आप ये देखो, 5 मिनट टाइम फ्रेम में इस लेवल पे 50 डे ईएमए का सपोर्ट था, आप देख सकते हैं, जो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो 200 का सपोर्ट ले रहा था, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में 50 डे का सपोर्ट ले रहा है। तो आप ये बताओ, मल्टीपल कन्फर्मेशन ऐसे देखा जाता है गाइस, अगर आप प्राइस एक्शन प्लस ईएमए ट्रेड कर रहे हो या RSI ट्रेड कर रहे हो, तो इस प्रकार कॉम्बिनेशन करके यूज किया जाता है। मैं सोचा कि बना के वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें कोई नहीं बताता कि किस प्रकार से आप प्राइस एक्शन ईएमए को एक साथ यूज करिए। क्लियर होगा? अब देखो, यहाँ सपोर्ट लेके प्राइस अप गया, और एक अपने को अच्छी खासी बुलिश कैंडल भी दिखी। आप ये कैंडल देखो, ये लेवल अपने को अच्छा खासा प्राइस एक्शन भी दिखा कि अब यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके और प्राइस कैंडल वाइज भी अपने को बुलिश कैंडल पैटर्न मिल गया और सपोर्ट भी मिल गया ईएमए का। तो प्राइस अपना टारगेट, पहला टारगेट ये लेवल पहुंच, पहला टारगेट ये लेवल और ये लेवल ब्रेकआउट हो तो प्राइस तेजी से अब जाएगा ही जाएगा। अभी 10:42 है गाइस, 11 बजे 12 बजे तक नहीं, अभी एक बार कंसोलिडेट करने आएगा प्राइस नीचे साइड,
डाउन साइड प्राइस थोड़ा सा नीचे साइड आएगा, फिर 12-1 बजे तक मैं अपसाइड ब्रेकआउट कर सकता है या फिर इसी जोन में घूम सकता है, कुछ भी हो सकता है, आगे देखा जाएगा प्राइस कैसे बिहेव करता है। बट मैं प्राइस एक्शन प्लस ईएमए का वीडियो बना बताना था कि कैसे यूज किया जाता है। अगर वीडियो गाइस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।